अस्सलाम वालेकुम। 15 से 20 हज़ार लोग तक रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें से एक्टिव सिर्फ 15 हज़ार लोग थे जिन्होंने फ़ायदा उठाया है स्कीम का। इसके बाद जब असिस्टेंट लेबर कमिश्नर निदा जी यहाँ पर आई है, तो उन्होंने 4 महीने में उससे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की है, 15 हज़ार से ज़्यादा। उस लिए हम निदा जी का दिल से अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उन्होंने लेबर लोगों का ख्वाब हकीकत में चेंज करने की कोशिश की है। और इसके बावजूद भी लेबर के यूनियन भी एजेंटों के हिसाब से दब जाती थी, और इस बात के लिए हम अप्रिशिएट करते हैं निदा जी को, जो उन्होंने अगेंस्ट एजेंटों के खिलाफ एक कदम उठाया है, तो इसलिए हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, ताकि इस काम में वो लोग घुसे थे जिनका दूर दूर से इस काम के साथ कोई वाबस्ता नहीं था। इसलिए हम आज पिछले 11 सालों के बाद मैडम ने ये कदम उठाया है, जबकि पहले बहुत सारे ऑफिसर लोग आए थे जिन्होंने सिर्फ अपने हिसाब से क्या क्या किया था, लेकिन यहाँ अनंतनाग में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी। निदा जी एक अच्छा ऑफिसर है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी बढ़ाई है, और वो चाहती है कि जिस तरह से उन्होंने अपना कदम उठाया है, तो हम उसके साथ है। एजेंटों के खिलाफ खासकर उन्होंने जो कदम उठाया है, हम उसके मेन उसके साथ है, पूरी बॉडी और पूरी कोऑर्डिनेशन अनंतनाग की जितनी भी यूनियनें हैं, तो उन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, जिसका प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया है, और मैं चाहता हूं कि अगर उन लोगों ने भी मुझे ताउन दिया है, और मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट भी हम कंप्रोमाइज़ में रहे, और अगेंस्ट ये जो एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई हुई है ये भी कामयाब हो जाए। और नेताजी के हम खासकर अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अनंतनाग में। उसको हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि और भी कुछ कार्ड है और वो प्रोग्रामों के जरिए अवेयरनेस के जरिए उनको इशू करती है, तो उसके लिए भी हम उसको अप्रिशिएट कर दिया है कि उन्होंने अच्छा काम